नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 21 नए सैनिक स्कूलों के बारे में जिनको रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तो कौन कौन से वे स्कूल हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों व निजी स्कूलों व राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये स्कूल देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित करने की सरकार की पहल के शुरुआती दौर में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के विजन का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इनमें से 17 स्कूल ब्राउनफील्ड संचालित स्कूल हैं और 4 ग्रीनफील्ड स्कूल हैं। इन स्कूलों में नए सैनिक स्कूल पैटर्न में प्रवेश सिर्फ 2 तरीके से होगा। पहला, छठी कक्षा में कम से कम 40% प्रवेश उन उम्मीदवारों का होगा जिन्होंने ई काउंसलिंग के माध्यम से NTA द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, और 60% तक प्रवेश उसी स्कूल में नामांकित और नए सैनिक स्कूलों के इस वर्टिकल के तहत योग्यता परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों का होगा, जिसके लिए अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। ऐसे योग्य उम्मीदवार जो अपनी पसंद के नए अनुमोदित स्कूल में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें पूर्व परामर्श sainikschool.ncog.gov.in पर पंजीकृत करना होगा। छात्रों को वेब पोर्टल पर लॉगिन करने और पंजीकरण करने के लिए अपने AISSC की आवेदन संख्या का उपयोग करना होगा, जिसके बाद आवेदक छात्र ई परामर्श के प्राथमिकता के क्रम में 10 स्कूलों तक की पसंद का संकेत दे सकता है। पंजीकृत आवेदकों के प्रत्येक स्कूल के लिए मेरिट सूची के क्रम में AISSE योग्य उम्मीदवारों द्वारा उस स्कूल में भरी जाने वाली सीटों की सीमा तक स्कूल आवंटित किए जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम अनुमोदित नए सैनिक स्कूलों की सूची भी देख लेते हैं, यानी कि वह 21 राज्य देख लेते हैं जहां पर नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसमें आता है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये वह राज्य हैं जिसे रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों व राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।